आजा आजा आजा, ये आ रहे हैं हमारे प्रिंस भाई। कार में तो भाइयों हम निकल चुके हैं राफ्ता दाफ्ता करने। हम आ चुके हैं रायपुर गोल चक्कर। कहाँ जा रहे भाई हम? भाई सिला चौक की जा रहे हैं। तो यहाँ हम मैगी लेने के लिए रुक चुके हैं मैगी, और हमारे साथ हैं पोलो भाई और जोशी भाई। जोशी भाई, भाई कितनी मैगी के पैकेट लेने हैं? पानी तो पहले 8 मैगी के पैकेट लेने हैं, 3 पानी के बोतल है, 2 कोल्ड ड्रिंक है। ऐसी बात है अंकल, 8 पैकेट मैगी दे दो। 8 पैकेट मैगी। ये वीडियो चल रही है यूट्यूब में, फेमस हो जाओगे आप कुछ दिनों में। ये हमारी मैगी आ चुकी है। तो भाइयों हमने सामान ले लिया है, अब हम अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं थानो साइड। तो गाइस स्टेडियम तक पहुंच चुके हैं हम, आगे जाना है हमें थानो चौक तक, उसके बाद आगे उससे और आगे जाना है, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो भाइयों हम आ चुके हैं थानो पुल, ये हमारी गाड़ी है, ये हम हैं। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है। हमारे मैंग भाई कहाँ हैं? भाई तुम इधर तो दिखाओ फ़ोन को। तो हेलो गाइस, थानो रोड पहुँच चुके हैं हम और सिला चौकी के लिए जा रहे हैं, और आज धूप भी बहुत है पर हमको कार ने बचा दिया। कार ने बचा दिया, गर्मी हो रही है यहाँ पे बहुत। रुके हैं हम थानो ब्रिज पे, हम सिला चौकी का रास्ता दिखाते हैं आपको और फिर चलते हैं आगे और दिखाते हैं वहाँ के सिला चौकी के व्यूज। थानो चौक से सीधा जाना है हमें भोगपुर के लिए। भोगपुर यहाँ एक गाँव है, तो वहीं आगे सिला चौकी पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, कुछ टाइम बाद यहाँ फ्लाईओवर बन जाएगा। तो गाइस यहाँ से जाना है हमें लेफ्ट सिला चौकी के लिए, ऊपर जाएगा थारने के लिए। तो भाई जी नीचे जा रहे जरा अभी हम, उसके बाद आके पियेंगे चाय, एक दो घंटे में आ रहे फिर। गाड़ी गाड़ी का ध्यान रख लें जरा, ठीक है फिर। चेतावनी भी है गाइस, यहाँ चेतावनी, नदी जल स्तर कभी बढ़ सकता है। भाई पोलो खंडूरी, तो हम पोलो खंडूरी मिस्त्री का कोर्स कराया है DIT से। गाइस मानसून का सीज़न था कुछ टाइम पहले, अभी भी हो ही रही है वैसे बारिश, तो इसीलिए झाड़ियाँ बहुत है, पोलो गिरने वाला था। तो गाइस जस्ट पहुँच चुके हैं हम ब्रिज पे, आपको दिखाते हैं यहाँ का ब्रिज। सत्यम भाई के पांव रखते हैं, ब्रिज हिल रहा है। हो चलो चलो जल्दी चलोगी सत्यम? सत्यम भाई डर रहे हैं। कोई नहीं, चेतावनी यहाँ पे भी है, नजारे हैं, पर हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं। तो भाई लोगों आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, यहाँ बहता हुआ पानी आ रहा है, इस साइड पानी बहुत गहरा है। ये मयंक भाई बॉडी शूट दिखा रहे हैं यहाँ। तो यहाँ हम मैगी बनाने के लिए आग जला रहे हैं, आग बिल्कुल लगी नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी लग रही है, फिर बंद हो जा रही है, थोड़ी देखेंगे वो। तो बाकी हमारे पास एक और प्लान है कि ऊपर अंकल का रेस्टोरेंट है, एक वहाँ दे देंगे अंकल को मैगी और फिर बनवा देंगे उनको मैगी। मयंक भाई के पसीने छूट रहे हैं। तो गाइस वहाँ मैगी का इंतजाम हो रहा है, तब तक हम आगे जा रहे हैं, एक डुबकी मारने, बहुत गर्मी हो रही है। पोलो खंडूरी का कहना है कि मैगी पक चुकी है, आज डॉगी भी हमारे संग है। तो पोलो भाई ने मैगी बना दी आखिरकार,
आधे घंटे तक उन्होंने लकड़ियाँ जलाई जलाई कैसे भी करके, फिर मैगी बनाई, बोतल रखी थी हमने ठंडी करने, और ठंडी है ये पहले के हिसाब से। तो गाइस मैगी बन चुकी है, मैगी खा रहे हैं हम, क्या भाई प्रिंस भाई प्रियां तो खंडूरी और प्रियां भाई सत्यम भाई वहाँ बचा हुआ खाते हुए पतीली से। पहाड़ी है फील, पहाड़ी है फील, पहाड़ों में रह के हम करते हैं चिल, पहाड़ी है फील, पहाड़ी है फील। भाई ने इतनी भयंकर डाइव मारी कि भाई का पैर इंजर्ड हो चुका है। शाम के 6:30 बज चुके हैं, सब हमने खाना भी खा लिया है और नहा भी लिया है, बाकी कचरा भी समेट लिया हमने और चल रहे हैं वापस ऊपर। तो गाइस शिला चौकी की ट्रिप खत्म हो रही है, आगे रास्ता दिखा देंगे हल्का सा भाई। ठीक है, चढ़ाई का रास्ता तो पता ही आपको, यहाँ थोड़ा कच्चा रास्ता है, जूते वगैरह पहन के आना जब आओगे। ऊपर रेस्टोरेंट है, हमने अपनी कार लगा रखी है और अंकल से बोल रखा ध्यान रखना, वहाँ से चाय पी के जाएंगे अभी हम। तो हर बारी की तरह सारे फ़ोनों की बैटरी डेड हो चुकी है, मेरे फ़ोन में सिर्फ 10% बची है, बाकी वो पतीला बैग में फिट कर रहे हैं। पोलो के तो पोलो है भाई, बैग में कहाँ डाल रहे हो भाई, पतीला है भाई वो, पतीला थोड़ी डाल रहे हैं भाई। चलो सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे भाई। 7 बज चुके हैं, चाय पी रहे हैं हम, खत्म हो चुकी है अब चाय, जाने का समय हो चुका है। फिर हमको लाना पड़ता है। हाँ, कितने का लेते हो तुम बनाने का? हम 200 रुपए लेते हैं। कितना भी किलो? चिकन किलो का, एक किलो का 200 रुपए। भाई ये फोन की बैटरी। तो भाई निकल चुके हैं हम, रिवर्स कैमरा का कल्याण हो चुका है। Next vlog coming.